दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube Boy with you. IPL 2021 का 12वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाने वाला है। दिल्ली के दिलेरों को करने के बाद घायल माही के मतवालों के सामने खड़े हैं अब राजस्थान के रॉयल्स। Both teams are on fire, but माही भाई is still to get fire. तो क्या फाइनली इस मैच में माही भाई होंगे ऑन फायर या फिर सैमसन खेलेंगे हैंडसम? ढूंढेंगे इसी सवाल का जवाब। आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात, साथ ही साथ हम आपको इस मुकाबले की बेस्ट फैंटसी पिक भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक्सक्यूज मी जिंक्स, पिच में ग्रास है तो ज्यादा सीमर्स खिलाना। करोड़ों में एक बात बोली चैम, अब सुनो एक से एक करोड़ वाली बात। माई 11 सर्कल पे एक रुपए में टीम बनाओ और रोज एक करोड़ फर्स्ट प्राइज जीतने का मौका पाओ। खुद को चैम समझते हो तो माई 11 सर्कल पे करोड़पति बन के दिखाओ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सबसे पहले बात करते हैं माई 11 सर्कल प्रेजेंस पिच के हाल की। तो ये जो मुकाबला है वानखेड़े में खेला जाने वाला है और अब तक यहाँ पर इस आईपीएल के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से एक बार डिफेंडिंग टीम को, वही 4 बार चेसिंग टीम को जीत हासिल हुई है। इस विकेट पर शुरू के ओवरों में आपको स्विंग देखने को मिल सकता है और एक बार फिर से यहाँ पर सब कुछ टॉस पर डिपेंड होगा। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, चेस करेगा, उसके मैच जीतने के चांसेस 90% होंगे। इस मैच में एक हाई स्कोरिंग गेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो पहले मुकाबले में दिल्ली के दिलेरों से मात खाने के बाद माही के मतवालों ने पंजाब किंग्स के सामने एक भयंकर जीत दर्ज की थी। उस मैच में चेन्नई के गेंदबाजों ने जमकर तांडव मचाया था। वानखेड़े के इस विकेट पर शुरू के ओवरों में दीपक चहर की गेंदें जिस तरीके से बल्लेबाजों को चकमा दे रही थी, उसे देखकर तो यही लगता है कि इस मैच में भी दीपक चहर राजस्थान के बल्लेबाजों को घायल कर सकते हैं। जी हां, दीपक चहर ने पंजाब के खिलाफ विध्वंसक गेंदबाजी करते हुए 13 रन देकर 4 विकेट चटका डाले थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्याम करन अपनी एक्स टीम के खिलाफ धारदार गेंदबाजी कर सकते हैं और उन्होंने किया भी था। और इस मैच में भी श्याम करन की गेंदें राजस्थान के बल्लेबाजों को घायल कर सकती है। अपार्ट ऑफ दिस, चेन्नई के बाकी के गेंदबाज भी अच्छे लय में दिखे थे। चेन्नई के पहले मुकाबले के प्रदर्शन को देखते हुए यह कहा जाने लगा था कि गेंदबाजी इस साल चेन्नई के लिए बड़ा कंसर्न साबित हो सकती है, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के इस प्रेडिक्शन को गलत साबित किया। बात कीजिए अगर चेन्नई के बल्लेबाजों की, तो पिछले मुकाबले में फैफ ने 36 रन बनाकर अपने हथियार पर लगे जंग को साफ किया था ताकि अगले मैच में चौकों और छक्कों की सुनामी ला सके। जी हां, राजस्थान के खिलाफ 237 रन बना चुके फैफ डुप्लेसिस इस मैच में विरोधियों का सुपड़ा साफ कर सकते हैं। चेन्नई के लिए अच्छी बात तो यह है कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए इन्हें एक ऐसा बल्लेबाज मिल गया है जो कि कंसिस्टेंस भी है और खतरनाक भी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मोइन अली की, जो कि 2 मैचों में 36 और 46 रनों की 2 विध्वंसक पारियां खेल चुके हैं और इस मैच में तो ये अर्धशतक भी लगा सकते हैं। अपार्ट ऑफ दिस, राजस्थान के खिलाफ रैना सर्वाधिक 638 रन बना चुके हैं। वैसे 480 रन तो राजस्थान के खिलाफ धोनी ने भी बनाए हैं और इनका बल्ला राजस्थान के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोलता है। लेकिन इस मैच में हल्ला बोलेगा या नहीं, इस बात पर मुझे शंका है। जी हां, धोनी इस मैच में भी नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज काफी अच्छे लय में हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा गेंदें खेलने को नहीं मिलेगी। शार्दुल ठाकुर और बल्लेबाज ऋतुराज का फॉर्म चेन्नई के लिए एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। जहां तक मुझे लगता है कि इस मैच में ऋतुराज अपने फॉर्म को तलाश सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के रॉयल्स की। तो पहले मैच में पंजाब से एक क्लोज मैच हारने के बाद दिल्ली के खिलाफ इन्होंने एक हारी हुई बाजी जीती थी। जी हां, पिछले मुकाबले में 147 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान का टॉप ऑर्डर चरमरा गया था। चाहे वो संजू सैमसन हो या फिर जॉस बटलर, कोई भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज डबल डिजिट तक क्रॉस नहीं कर पाया था। लेकिन राजस्थान के लिए अच्छी बात तो ये रही कि चोटिल स्टोक्स की जगह डेविड मिलर को टीम में मौका दिया गया था और 62 रनों की एक किलर पारी खेलकर मिलर ने एक हारी हुई बाजी भी जिताई। साथ ही साथ स्टोक्स की कमी को पूरी करने की भरपूर कोशिश भी की। साथ ही साथ क्रिस मॉरिस ने 4 गगनचुंबी छक्के लगाकर सबको मोहित कर लिया और यह दिखा दिया कि वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी क्यों है। राजस्थान रॉयल्स दिल्ली के खिलाफ भले ही जीत गई थी, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो 147 रनों का पीछा करते हुए इनकी हालत खराब हो गई थी। राजस्थान की टीम में बड़ी बड़ी पारियां खेलने वाले और चौकों और छक्कों की सुनामी लाने वाले बल्लेबाज तो जरूर है, लेकिन कोई एंकर बल्लेबाज नहीं है जो कि भरोसेमंद हो और हर मैच में विकेट पर टिक कर खेल सके। ऊपर से जॉस बटलर का फॉर्म राजस्थान के लिए एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। हालांकि कप्तान संजू सैमसन ने पंजाब के खिलाफ 119 रनों की जबरदस्त पारी जरूर खेली थी, लेकिन उसमें भी उनके 3 कैच छूटे थे। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से, बुरे फॉर्म से गुजर रही है और ऐसे में चेन्नई के चतुर गेंदबाजों के सामने टिक पाना इनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बात कीजिए अगर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की, तो चेतन सकारिया और पिछले मैच में 2 विकेट लेने वाले मुस्तफिजुर लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इस मैच में भी इनकी
गेंदें चेन्नई के बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। उनादकट को पिछले मैच में टीम में लाया गया था और उन्होंने 15 रन देकर 3 विकेट लिए थे, लेकिन चेन्नई के खिलाफ इन्हें बड़ी ही मार पड़ती है। अब बात करते हैं माई इलेवन सर्कल प्रेजेंस हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के 24 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 14 बार माही के मतवालों ने इन्हें मात दी है, वहीं मात्र 10 बार रॉयल्स ने हल्ला बोला है। पिछले साल इन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे और दोनों ही मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते थे। अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटेसी पिक की। तो फैंटेसी टीम सिलेक्ट करने के लिए ये हमने स्क्रीन को ऑन कर लिया। माई इलेवन सर्कल ऐप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर आप सिर्फ 1 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़पति बनने का मौका पा सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे तो आपको 1500 रुपए तक का बोनस भी मिल सकता है। तो माई इलेवन सर्कल को डाउनलोड कर लेना। और ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम टेलीग्राम पर आएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना। 2 विकेट कीपर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, संजू सैमसन और जॉस बटलर ओपनिंग के लिए आएंगे, रन करके आपको दे सकते हैं। एमएस धोनी को सिलेक्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वो काफी नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और आप फर्जी में उन पे टाइम और क्रेडिट वेस्ट ना करें। 4 बल्लेबाजों के साथ हम जा रहे हैं, डेविड मिलर जो कि पिछले मैच में किलर पारी खेल चुके हैं और इस मैच में भी इनके बल्ले से रन आ सकते हैं। सुरेश रैना को हमने लिया है, रन कर सकते हैं, सर्वाधिक रन बनाया है राजस्थान के खिलाफ। फैफ डु प्लेसिस इस मैच में अर्धशतक लगा सकते हैं और ऋतुराज गायकवाड अपने फॉर्म को तलाशते हुए इस मैच में रन बना सकते हैं, उनका राज हो सकता है। 3 ऑलराउंडर्स को हमने सिलेक्ट किया है, मोइन अली 2 मैचों में 36 और 46 रन की पारियां खेल चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और इस मैच में तो ये अर्धशतक भी लगा सकते हैं। क्रिश मॉरिस पिछले मैच में बल्ले से भी परफॉर्म किया था, लेकिन इस मैच में गेंदबाजी से कमाल धमाल दिखा सकते हैं, साथ ही साथ मौका मिला तो चौका भी मार सकते हैं जैसे पिछले मैच में मारा था। श्याम करन एक बार फिर से धारदार गेंदबाजी करेंगे, पिछले मैच में किफायती गेंदबाजी करी थी, 3 ओवर में 12 रन दिया था और इस मैच में जो है ये अटैकिंग करेंगे, मतलब कि विकेट्स लेकर आपको दे सकते हैं। 2 गेंदबाजों के साथ हम जा रहे हैं, दीपक चहर जिनका पहर देखने को मिल सकता है शुरू के ओवरों में, और पिछले मैच में भी मैंने आपको बताया था कि इस विकेट पर दीपक चहर शुरू के ओवरों में जो है बल्लेबाजों का जीना दुश्वार कर सकते हैं, विकेट्स निकाल सकते हैं और इस मैच में भी शुरू के ओवरों में अगर चेन्नई पहले गेंदबाजी करती है तो आपको विकेट्स लेकर दे सकते हैं। चेतन सकारिया को जरूर लेना, क्योंकि नए जो गेंदबाज होते हैं वो चेन्नई के खिलाफ बड़ी ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। टीम प्रीव्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं फैफ डु प्लेसिस को हमने यहाँ पर कैप्टन बनाया है और वाइस कैप्टन यहाँ हमने बनाया है ऋतुराज गायकवाड़ को। वाइस कैप्टन आप चाहो तो मोइन अली या फिर सुरेश रैना में से भी किसी एक को बना सकते हो। बाकी मेरी टीम में कैप्टन फैफ डु प्लेसिस है और ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन है। माई इलेवन सर्कल को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले में दमदार साबित हो सकती है। पिछली बार 2 मैचों में 2 बार रॉयल्स ने बोला था हल्ला, क्या एक बार फिर से इनका होगा बोलबल्ला या फिर इस आईपीएल में पहली बार बोलेगा माही का बल्ला? लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्रिकेट से जुड़ी ज्यादा जानकारियों के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। फेक चैनल को ज्वाइन मत करना। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार इस बार नहीं होगा राजस्थान रॉयल्स का हल्ला, माही के मतवालों का जमकर बोलेगा बल्ला। जी हां, अगर आपको भी लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।